हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद मानो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान पूरी तरह बौखला गए हैं। एक तरफ कंगाली और दूसरी तरफ भारत पाक सीमा पर मिलता उसको करारा जवाब। पाकिस्तान को अपना भविष्य दिखाई देने लगा है, तभी तो पाकिस्तानी पीएम अनर्गल बयानबाजी और भड़काऊ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर तुम कुर्बान करते हो तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कहने का ये मतलब कि इस कौम पर अगर आपने हमला किया तो याद रखना यहाँ 20 करोड़ जो पाकिस्तानी रहते हैं ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक जंग लड़ने वाला है। ऐसे में सवाल है कि क्या इमरान खान भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान की भारत के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला कोई नया नहीं है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब उछाला था। लेकिन हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी। खान ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का संदर्भ देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जो आपने और भारतीय सेना प्रमुख ने इस देश को लेकर बयान दिया है ये आप दोनों को मेरा जवाब है। 20 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी और सेना भारत को कड़ा सबक सिखाएगी। इमरान खान ये भूल गए कि पाकिस्तान भारत की शक्ति के आगे कहीं नहीं ठहरता। पिछले महीने जब पीएम मोदी ने नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना को हफ्ता 10 दिन का समय लगेगा, तब इसी बयान के बाद से इमरान खान बौखला गए थे और वो फिर लगातार भारत के खिलाफ लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।